हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बॉम्बे कराची हलवा बनाएंगे जो कि बहुत ही फेमस है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं है। तो देख लेते हैं उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए। शुगर, कॉर्नफ्लोर, चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, देसी घी, फूड कलर, लेमन जूस, इलायची पाउडर और पानी। पहले हम लोग कॉर्न बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्वांटिटीज के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। कॉर्न लेंगे, कॉर्न स्टार्च है ये, इसमें हम लोग पानी ऐड कर लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब चलिए शुगर सिरप बनाते हैं। अब कढ़ाई में शुगर डाल करके और पानी डाल करके इसको भूनने तक भून चलाते रहें। चीनी घुल गया है, अब हम लोग गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें हम लोग धीरे धीरे करके कॉर्न बैटर डालेंगे। अच्छे से पहले मिक्स कर लें। अब हम लोग इसमें धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे इसको। अब इसको यूं ही चलाते हुए कुक करना है हमें। ये चलाते चलाते गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ी होने लगी है, इसमें हम लोग थोड़े से लेमन जूस डाल देंगे। इसे चलाते रहे। इसमें थोड़े से फूड कलर, इसमें इलायची पाउडर, घी, इसको घी पूरा मिक्स होने तक इसे यूं ही चलाते रहेंगे। इन्हें अच्छे से चलाने हैं जब तक घी इसमें पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। एक से दो मिनट के बाद देखिए घी पूरा एब्जॉर्ब हो गया इसमें। इसमें फिर से हम लोग घी ऐड करेंगे। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। पूरी तरह से घी एब्जॉर्ब हो गया इसमें। अब हम लोग इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें। और इसे थोड़ी देर और चलाएंगे। हलवा तैयार है। अब इसको जिसमें आपको निकालना है उसको पहले से ग्रीस कर लें और फिर उसमें इसको हम डायरेक्ट डाल देंगे। ग्रीस किए हुए बर्तन में इसे हर निकाल लेंगे।
और इसे हम लोग 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम पीसेस करेंगे। चलिए अब इसको स्लाइस कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।